नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पाटिल आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम यहां पर भाषा अध्ययन में नौवां सवाल जो पूछा जाता है काल परिवर्तन पर, उसके बारे में यहां पर जानकारी लेने वाले हैं। दो अंकों के लिए यह सवाल पूछा जाता है। यहां पे तीन वाक्य हमें काल परिवर्तन के लिए दिए जाते हैं, उनमें से दो वाक्यों का हमें काल परिवर्तन करना होता है। तो चलिए यहाँ पर काल परिवर्तन के बारे में यहाँ पे हम जानकारी लेंगे। काल परिवर्तन के बारे में जानकारी लेते समय सबसे पहले काल परिवर्तन किसे कहते हैं हम यहाँ पर देखेंगे। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि काल के तीन भेद होते हैं। काल के मुख्य रूप से तीन भेद है, भूतकाल जिसे जिनमें सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल होता है। दूसरा जो काल होता है वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान काल। और तीसरा जो है भविष्य काल, उसमें सिर्फ सामान्य भविष्य काल होता है। तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ पर काल के भेदों के बारे में जानकारी लेते हुए सबसे पहले हम सामान्य काल से शुरुआत करते हैं। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल और सामान्य भविष्य काल। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने के समय का बोध होता है उसे हम काल कहते हैं। जैसे गाता है, गाया, गाएगा आदि। तो यहाँ पे सबसे पहले जो महत्वपूर्ण काल दिया गया है सामान्य वर्तमान काल, उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। फिर से एक बार सुनिए, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य बोलते या लिखते समय होता है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। क्रिया के इस रूप से यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा पूर्ण रही है। जैसे करामत लक्ष्मी को चारा देता है, मोहल्ले वाले फुर्सत से आते हैं। इसके बाद नंबर दो, सामान्य भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य बोलते या लिखते समय समाप्त हुआ उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। क्रिया के इस रूप से यह पता नहीं चलता कि क्रिया पूर्ण हुई अथवा अपूर्ण रही है। जैसे ऑफिस के बड़े बाबू आए, बच्चे खेलने लगे। और उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण जो काल है सामान्य भविष्य काल। क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। फिर से एक बार सुनते हैं, क्रिया के जिस रूप से यह मालूम होता है कि कार्य आने वाले समय में होगा उसे सामान्य भविष्य काल कहते हैं। एक उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, लक्ष्मी को कुछ लोग खरीद लेंगे। इस प्रकार हम सामान्य भविष्य काल के उदाहरण बता सकते हैं। इसके बाद सामान्य कालों के रूप किस प्रकार के होते हैं यह एक तालिका के माध्यम से हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं एक तालिका। तालिका में काल, उसके बाद पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दिया है, एकवचन बहुवचन। पहले हम सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण देखेंगे। एकवचन में मैं फल खाता हूँ, उसका बहुवचन हम फल खाते हैं। उसके बाद तू फल खाता है, तुम फल खाते हो, वह फल खाता है, वे फल खाते हैं। उसके बाद स्त्रीलिंग में दिया है मैं फल खाती हूँ, हम फल खाती है, तू फल खाती है, तुम फल खाती हो, आप फल खाती है, वह फल खाती है, वे फल खाती है। उसके बाद सामान्य भूतकाल में पुल्लिंग में पहला उदाहरण दिया है मैंने फल खाया, उसका बहुवचन हम इस प्रकार कर सकते हैं हमने फल खाया। उसके बाद स्त्रीलिंग में मैंने फल खाया और उसका बहुवचन हमने फल खाया, एक ही उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद सामान्य भविष्य काल में भी जो पहला उदाहरण दिया है वही हम यहाँ पर देखेंगे, मैं फल खाऊंगा और उसका बहुवचन हम फल खाएंगे। और स्त्रीलिंग में मैं फल खाऊंगी और उसका बहुवचन हम फल खाएंगी। इस प्रकार बहुत्व को स्पष्ट करने के लिए द्वितीय पुरुष बहुवचन के रूपों के साथ लोग शब्द का भी प्रयोग होता है। जैसे तुम लोग फल खाते हो, आप लोग फल खाते हैं। यह महत्वपूर्ण टिप हम यहाँ पर बता सकते हैं। सामान्य काल के बाद अब हम अपूर्ण काल के बारे में जानकारी लेंगे, अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया वर्तमान काल में चल रही है
पूर्ण नहीं हुई है उसे अपूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे कि आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं, सोनाबाई का लड़का बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। उसके बाद नंबर दो दिया है अपूर्ण भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया भूतकाल में आरंभ हुई पर बोलते या लिखते समय पूर्ण नहीं हुई है उसे अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दिया गया है, मानु फुटफुट कर रो रही थी। नंबर दो, सोनाबाई की लड़की कथकली कर रही थी। यहाँ पे हम रो रही थी और कर रही थी, यहाँ पे भूतकाल में जो क्रिया है वह अपूर्ण क्रिया दर्शा रही है। उसके बाद एक तालिका की सहायता से हम वह अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल जानने की कोशिश करेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल के रूप यहाँ पे दिए है। उदाहरण के तौर पर हम एक एक उदाहरण इसका देखेंगे। अपूर्ण वर्तमान काल में पुल्लिंग एकवचन में पहला उदाहरण दिया है, मैं फल खा रहा हूँ। यहाँ पे क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, अपूर्ण वर्तमान काल है इसलिए। उसका बहुवचन हम फल खा रहे हैं, श्रीलिंग में मैं फल खा रही हूँ और उसका बहुवचन हम फल खा रही है, इस तरीके से हम बता सकते हैं। और अपूर्ण भूतकाल का भी एक उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, मैं फल खा रहा था। उसका बहुवचन हम फल खा रहे थे, श्रीलिंग में मैं फल खा रही थी, हम फल खा रही थी, इस तरीके से हम अपूर्ण वर्तमान काल और अपूर्ण भूतकाल इनकी सहायता से, तालिका की सहायता से और उदाहरणों की सहायता से हम समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आखिरी जो प्रकार है वह पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल, उनके बारे में जानकारी लेंगे। पूर्ण वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि भूतकाल में आरंभ हुआ कार्य वर्तमान काल में समाप्त हो गया है उसे पूर्ण वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया है, बड़े भैया की चिट्ठी आई है। नंबर दो, तुम्हारी भाभी ने ऐसी कढ़ी बनाना कहाँ से सीखा है। उसके बाद पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह बोध होता है कि क्रिया बहुत पहले समाप्त हो चुकी हो, निकट भूतकाल में नहीं, उसे पूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया गया है, लेखक सिरचन को मनाने गया था। और नंबर दो, शंकर मुंह छिपाकर लड़कियों के हॉस्टल से भागे थे। इस प्रकार यहाँ पे गया था और भागे थे, इसकी सहायता से हम बता सकते हैं यह पूर्ण भूतकाल है। तालिका की सहायता से हम यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल जानने की कोशिश करेंगे। पहला उदाहरण यहाँ पे पुल्लिंग में एक वचन में दिया है, मैं पैसे लाया हूँ। उसका बहुवचन हम पैसे लाए हैं, श्रीलिंग में मैं पैसे लाई हूँ और हम पैसे लाई है। पूर्ण भूतकाल का पहला उदाहरण देखेंगे, मैं पैसे लाया था, हम पैसे लाए थे। उसका बहुवचन, और श्रीलिंग में मैं पैसे लाई थी और उसका बहुवचन हम पैसे लाई थी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर पूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण भूतकाल के बारे में हमने जानकारी ली है। तो चलिए यहाँ पे एक सवाल देखते हैं। कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। पहला वाक्य दिया गया है, अली घर से बाहर चला जाता है। सामान्य भूतकाल में इसका परिवर्तन करना है, अली घर से बाहर चला गया, इस तरीके से हम इसका सामान्य भूतकाल कर सकते हैं। दूसरा वाक्य यहाँ पे दिया है, आराम हराम हो जाता है। पूर्ण वर्तमान काल एवं पूर्ण भविष्य काल, पहले पूर्ण वर्तमान काल में इसका परिवर्तन करते हैं, आराम हराम हो गया है, और पूर्ण भविष्य काल में आराम हराम हो चुका होगा। उसके बाद तीसरा वाक्य दिया गया है, सरकार एक ही टैक्स लगाती है। सामान्य भविष्य काल, सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। चौथा वाक्य है, आप इतनी देर से नाप तौल करते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल, आप इतनी देर से नाप तौल कर रहे हैं। उसके बाद पांचवा वाक्य है, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं। पूर्ण भूतकाल एवं अपूर्ण भविष्यकाल, दोनों में इसका परिवर्तन करना है, पहले पूर्ण भूतकाल में इसका परिवर्तन करते हैं, उन्होंने बाजार से नई पुस्तक खरीदी थी, और अपूर्ण भविष्यकाल में वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते रहेंगे। अपूर्ण भविष्यकाल है इसलिए यह क्रिया हमें खरीदते रहेंगे, अपूर्ण भविष्यकाल। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। अगला वाक्य अपूर्ण भूतकाल में रूपांतर करना है, वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। उसके बाद सातवां वाक्य है, सातों तारे मंद पड़ गए। अपूर्ण वर्तमान काल में इसका परिवर्तन करना है, सातों तारे मंद पड़ रहे हैं।
अपूर्ण क्रिया दर्शाने के लिए पढ़ रहे हैं। उसके बाद आखिरी वाक्य है, मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। अपूर्ण भूतकाल में परिवर्तन करना है, मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था, अपूर्ण भूतकाल। उसके बाद दूसरा सवाल यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशानुसार काल परिवर्तन कीजिए। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, मानो को ससुराल पहुंचाने में मैं ही जा रहा था। यह कौन से काल में है इसे हमें पहचानने के लिए कहा गया है और उसके बाद वहाँ पे परिवर्तन करने के लिए भी कहा गया है। तो यह जो वाक्य है, मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था, यह अपूर्ण भूतकाल है। इसका पहले हमें सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करना है, मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता हूँ। नंबर दो पे दिया गया है सामान्य भविष्यकाल, मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा। उसके बाद अपूर्ण भविष्यकाल, मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाता रहूंगा। उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल, मानो को ससुराल मैंने ही पहुंचाया है। उसके बाद सामान्य वर्तमान काल में परिवर्तन करने के लिए कहा गया है, मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया। अपूर्ण वर्तमान काल इस तरीके से कर सकते हैं, मानो को ससुराल मैंने पहुंचाने मैं ही जा रहा हूँ। उसके बाद पूर्ण भूतकाल में इसका परिवर्तन करने के लिए कहा गया है, मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया था। और आखिरी पूर्ण भविष्यकाल में इस प्रकार हम उसका परिवर्तन कर सकते हैं, मानो को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा चुका हूँगा। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे आज हमने जो काल परिवर्तन के बारे में यहाँ पे समझने का प्रयास किया है, आप लोगों को उदाहरणों की सहायता से काल के भेद आज हमने देखे और काल परिवर्तन किस प्रकार करते हैं यह भी हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो जरूर इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।